हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओके क्लासेस में। तो फ्रेंड अपन आज बात करेंगे रैंकिंग टेस्ट की, ठीक है। तो इससे पहले आपके जो कौन कौन से टॉपिक हो गए मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ एक बार। अपना अल्फाबेट हो गया, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, उसके अलावा एनालॉजिकल टेस्ट हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, वर्ड फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर हो गया, उसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, और अभी एट तो आपका कौन सा रैंकिंग टेस्ट है, उसके बाद में कौन कौन सा आपका बच गया, ठीक है, वो भी डिस्कशन कर लेते हैं। आपका टॉपिक बच गया अभी 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक आपको रीजनिंग के अंदर और बच गए हैं, जो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर मोस्टली हैं। एक तो आपका डायरेक्शन टेस्ट है, उसके बाद में सीरीज टेस्ट है, कैलेंडर क्लॉक एंड बेस्ट ऑफ एंड्स एंड सिंबल एंड सिंबल्स एंड नोटेशन है उसका। ये जो कि 5 6 टॉपिक आपके रीजनिंग के अंदर और बचे हुए हैं। उसके बाद क्या करेंगे अपन, जो लास्ट ईयर आपके जितने भी 3 4 साल के मैंने एक जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्या कर रखे हैं, कलेक्ट कर रखे हैं, वो अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे किस प्रकार का पेपर आपको कोस्ट गार्ड के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले प्राप्त हो सके। उसके अलावा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर देना, ताकि उनको बेनिफिट मिल सके, ठीक है। अभी अपन क्या स्टार्ट करते हैं, ठीक है, रैंकिंग टेस्ट क्रम व्यवस्था परीक्षण जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इसकी फर्स्ट टाइप क्या है, क्वेश्चन है आपका उत्तर की ओर मुंह किए हुए 5 घर पी क्यू आर एस टी, ठीक है, पी टी और क्यू के बीच में पी है वो, उत्तर की तरह जैसे ऐसे रखेंगे अपन 1 2 3 4 5 है ना, 5 हो गए, ठीक है। इनका मुंह क्या है उत्तर की तरफ, वही सिटिंग अरेंजमेंट से लेगा अभी देर में। चलिए उसके बाद देखते हैं, पी है वो टी और क्यू के बीच में, पी है वो टी और क्यू के बीच में, ठीक है, ये इधर ही इधर भी आ सकते हैं आपको पता है, जबकि टी है वो एस के दाहिने, टी है वो एस के क्या है दाहिनी तरफ है, एस के दाहिनी तरफ है, एस और आर अंतिम छोरों पर है, एस और आर अंतिम छोर पर है, ऐसे भी हो सकता है। अब जैसे कि टी है वो एस के दाहिनी तरफ है, टी है वो एस के क्या है दाहिनी तरफ है, तो एस के दाहिनी तरफ अगर एस को यहां पर करेंगे तो इसका दाहिनी तरफ इस तरफ होगा, जो कि क्या है राइट नहीं होगा, क्योंकि इस तरफ तो कोई है नहीं, अगर इस तरफ करेंगे तो ही क्या है इसके दाहिनी तरफ आ सकता है, तो ऊपर वाला क्या है, ये तो 2 सेट हो गए। उसके बाद में क्या कह रहा है, जो पी है वो टी और क्यू के बीच में है, पी टी और क्यू के बीच में हो जाएगा, ठीक है, तो एस टी पी क्यू आर, ये आपका क्या हो जाएगा जो आपका डायरेक्शन डायग्राम वो ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछा, इसके अंदर कौन सा घर ठीक बीच में है, तो कौन सा घर ठीक बीच में है, पी है वो ठीक बीच में, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपके टाइप क्या है, सेकंड टाइप की बात करें अपन, बी ए से उम्र में 2 गुना बड़ा है, बी है वो ग्रेटर देन है ए से 2 गुना है, अच्छा जी, लेकिन एफ से 2 गुना छोटा है, पी है वो ए से तो क्या है उम्र में 2 गुना बड़ा है, लेकिन जो एफ से क्या है छोटा है, सी की आयु ए से आधी है, सी की आयु है वो ए से क्या है आधी है, लेकिन डी से क्या है 2 गुनी है, डी से क्या होगी इसकी उसी, ओके। तो दूसरा सबसे बड़ा कौन है, दूसरे सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पर अपन क्या कर लेते हैं, पहले ए को क्या है एक्स के बराबर मान के देख लेते हैं, ठीक है, ए का क्या होगा एक्स हो गया, तो बी क्या हो जाएगा फिर, बी का मान 2x हो जाएगा, क्योंकि इसमें साफ कह रहा है ये क्या है जो बी है वो ए से क्या है 2 गुना है, ठीक है जी। एफ क्या कह रहा है फिर, एफ से 2 गुना छोटा है, तो एफ से 2 गुना तो ये छोटा हो गया,
और 2 गुना और छोटा उससे हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना छोटा हो जाएगा। ऐसे सी है वो ए का कितना है, आधा है यहाँ से। उसके बाद डी है उसका 2 गुना है, तो 2 गुना पहले छोटा है ये से हो, तो कितना हो जाएगा x/4। तो क्या है सर, दूसरा सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है, 4x, फिर कौन सा है 2x, फिर x है, फिर x/4 है, फिर क्या है पहले x/2 है, फिर x/4, तो सेकेंड 2x कौन है, यानी कि बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उस किसका मान है, बी का मान है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपन। नेक्स्ट टाइप की बात करें, रमेश 33 विद्यार्थियों की कक्षा में 13वें स्थान पर है, श्रेणी के अनुसार सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी हैं, रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं। तो ठीक है, सबसे पहले तो ये एक का सूत्र होता है, टोटल बराबर लेफ्ट इनटू राइट -1, ठीक है। टोटल विद्यार्थी दाई ओर से बाई ओर से -1 होता है, ठीक है। टोटल विद्यार्थी कितने फ्रेंड यहाँ पर, 33। अच्छा जी, कक्षा में एक कक्षा में 13वें स्थान पर है, ठीक है। श्रेणी के अनुसार सुरेश नीचे से 5वें स्थान पर है, तो इसके बीच में कितने विद्यार्थी को अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऊपर से 13वां है, नीचे से 5वां है, ठीक है, कितना हो गया। उसके बाद में कह रहा है रमेश और सुरेश के बीच में भुजा है, तो बीच में भुजा यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो +1 हो जाएगा, ठीक है, +1 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 33 माइनस कितना है ये 19, 33 माइनस 19 हो जाएगा, 33 माइनस 19 कितना हो जाएगा 14, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कक्षा में मानस ऊपर से 23 स्थान पर, नीचे से 20 स्थान पर, तो कक्षा में टोटल जो स्टूडेंट उसकी संख्या ज्ञात करनी, तो ऊपर से कितना है 23वां, नीचे से 20वां, -1 43 -1 42 आपको क्या हो जाए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल आपको ज्ञात करना है ये क्या ऊपर से है ये नीचे से है, या लेफ्ट राइट बात हुई है, -1 43 -1 42 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 50 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में मनीष का ऊपर से 20वां स्थान है, तो नीचे से स्थान ज्ञात करना है, तो वही टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल आपको कितना दे रखा फ्रेंड, 50 ऊपर से स्थान देकर नीचे से पूछ रखा, मतलब लेफ्ट से देकर राइट से पूछ रखा है, बात हुई है, तो 20 ऊपर से है तो नीचे से आपको ज्ञात करना है, ठीक है, लोअर एंड प्लस नहीं -1 प्लस 51, 51 -20 बराबर लोअर लेंथ से कितना हो जाएगा 31, आपका क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 31 आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, 30 लड़कियों के कतार में राधा दाई ओर से 15वें स्थान पर है, तो राधा का बाई स्थान याद करना है, तो 30 टोटल लड़कियां हैं, ठीक है, एक ओर से 15 है, तो दूसरी ओर से आपको ज्ञात करना है, -1 ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 31 -15 बराबर दूसरे छोर से कितना हो जाएगा 16, आपका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आपको तो ये टोटल वाला कंसेप्ट याद रखना है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है, इसके अंदर आपको लेफ्ट से लेफ्ट राइट का दे दे तो टोटल पूछ लेगा, टोटल और लेफ्ट देगा राइट से पूछ लेगा, टोटल प्लस राइट दे देगा लेफ्ट से पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन।
जैसे आपको दे रखा है एक का लेफ्ट से स्थान दे रखा आपको 22 है, राइट से दे रखा है 45 है, तो टोटल आपको कुछ है, तो टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन कितना हो जाएगा 67 माइनस वन बराबर 66 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आपको राइट से दे रखा है फ्रेंड 22 और राइट सॉरी लेफ्ट से दे रखा है 22 एंड राइट से दे रखा है 45, तो आपको टोटल जो जिसके अंदर लाइन है उसके अंदर टोटल जो स्टूडेंट है उसकी संख्या पूछी है, ठीक है, तो 22 प्लस 45 माइनस 1, ठीक है, लेफ्ट से राइट से माइनस 1, ये सूत्र यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि एक फॉर्मेट के ऊपर ही है। लेफ्ट से आपको दे रखा 26, राइट से दे रखा आपको 33, तो टोटल पूछा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 26 प्लस 33 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 59 माइनस 1 58 आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है एक का दोनों स्थानों से 2200 स्थान, ठीक है, ये है उसका दोनों तरफ से क्या है 2200 स्थान, 2200 स्थान है, तो यानी लेफ्ट से 2200 और राइट से, तो टोटल स्टूडेंट पूछा है तो वही लग जाएगा 22 प्लस 22 माइनस 1 44 माइनस 1 बराबर 43 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल आपको दे रखा है 60 है, एक का लेफ्ट से 2500 है, तो राइट से स्थान आपको ज्ञात करना है, तो 60 माइनस 25 प्लस राइट माइनस 1 इधर आ जाएगा, ये 61 माइनस 25 बराबर राइट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये सेम फॉर्मेट पे इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, ठीक है, जिससे अच्छे से अच्छे और क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जा सके, अधिक से अधिक क्वेश्चन अपने यहाँ पर कवरअप कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टोटल आपको दे रखा है, टोटल की बात करें 75, लेफ्ट से 36 है, राइट से आपको ज्ञात करना है, तो 75 बराबर 36 प्लस राइट से ज्ञात करना है माइनस 1, 76 माइनस 35 राइट से ज्ञात करना है, तो राइट से कितना हो जाएगा 40 आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। एक मिनट, जो आपकी जो मार्कर है इसकी स्याही कम है, एक मिनट रुकना सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट है टोटल आपको दे रखा है, सॉरी ये छोड़ो, टोटल वाला आपने बहुत कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में एक का ऊपर से स्थान क्या है 23 है, नीचे से दे रखा आपको 15 है, ठीक है, इसमें से 8 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, 8 क्या है अनुत्तीर्ण, अच्छा जी 5 विद्यार्थी परीक्षा में भाग नहीं लिया, 5 भाग नहीं लिया, ठीक है, तो पहले टोटल जो क्लास में उसके अंदर टोटल जो स्टूडेंट की संख्या वो ज्ञात है करनी है, तो टोटल बराबर लेफ्ट से 23 एंड राइट से 15 माइनस 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 38 माइनस 1 बराबर 37, तो ये टोटल हो गया, ठीक है, 37 तो ये वो स्टूडेंट हैं जो क्या हैं पास हुए, तो क्या हुए सिर्फ उत्तीर्ण हुए, इसके अंदर फिर क्या डन होगा भाई, क्लास में तो ये भी तो हैं, फेल हो गए तो क्या बात है, क्लास में तो ये भी हैं, तो 8 ही हो गया भैया, उसके बाद 5 ने भाग नहीं लिया, एडमिशन तो इनका है, पेपर तो नहीं दिया, इसके अंदर टोटल पूछ रहा है ना कि फ्रेंड उत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है, तो 5 इसके अंदर ये भी एड ऑन हो जाएंगे, तो 37 प्लस 13 49 आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक का स्थान लेफ्ट से कितना है, 26 है, राइट से 18 है, दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी बैठे हैं, तो दोनों ओर से जब ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ से आपको 25 है और राइट से आपके पास 18, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 5 बच्चे बीच में बैठेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 25 प्लस 5 प्लस 18 यानी 49, कितने हो जाएंगे, 49। जब ये कब होगा फ्रेंड, ये जब होगा जब ओवरलैपिंग नहीं हो रहा, ये यहाँ पर नहीं आ रहा और ये यहाँ पर नहीं आ रहा, ओवरलैपिंग होगा तो क्या है फिर दूसरे हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप वजह से एक और क्वेश्चन है, ए का लेफ्ट से है 37, बी का राइट से है 56, ठीक है, और बीच में कितने 13 स्टूडेंट बैठे हैं, तो 37 प्लस 13 प्लस 56 टोटल कितना हो गया, 106 हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन ओवरलैपिंग की, ठीक है, अब बात किसी करते हैं अपन ओवरलैपिंग की, जब ओवरलैपिंग हो रहा है तो क्या होगा, जब ओवरलैपिंग हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है, उस चीज की अपन बात करते हैं। जैसे यहाँ पर है, एक का लेफ्ट से है 18 एंड बी का राइट से है 16, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग का कितना है फ्रेंड, ये यहाँ पर भी जा सकता है और यहाँ पर ये यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, तो जिसके अंदर क्या है ओवरलैपिंग हो रही है, तो फिर क्या होगा आपका सूत्र, टोटल हुआ तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 2। अब 2 क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर भी काउंट होगा और ये यहाँ पर वापस दो बार काउंट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए माइनस 2 यहाँ पर कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, 18 प्लस 16 माइनस 2 बराबर 32 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का लेफ्ट से है 25, बी का राइट से है 37, ओके, और इसके अंदर 9 बच्चे क्या हैं बीच में, तो टोटल आपको जो बतानी है और ओवरलैपिंग क्या है, ऑन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा टोटल, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 9 क्या है बीच में है और 2 क्या है सूत्र वाला है, तो इसका क्या हो जाएगा 51, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट है आपका, आपको ए है उसका लेफ्ट से कितना है 27 और बी का कितना है 42 है, ठीक है, उसके अलावा आपको ए का ही लेफ्ट से दे रखा है 52 है, ठीक है, तो आपको इधर क्या करना है, टोटल ज्ञात करना है, ठीक है, ये क्या है 52, इसके अंदर क्या करना है आपको, टोटल ज्ञात करना है, ठीक है फ्रेंड, तो टोटल बराबर लेफ्ट से कितना 52 प्लस यहाँ से कितना 42 माइनस 1 कितना हो जाएगा 93 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ए का 27 है लेफ्ट से, राइट से कितना है 19, ठीक है, ए का फिर लेफ्ट से दे रखा 35, 27 तो ये हो गई, ये क्या 35 तक है, तो 35 प्लस 19 और माइनस 1 53 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इसके अंदर जिसके अंदर आपको क्या हो टोटल बीच में कितने हैं वो याद ज्ञात करना हो, जैसे एक का लेफ्ट से दे रखा आपको 33, बी का आपको दे रखा है राइट से 27, ठीक है, एक का फिर आपको लेफ्ट से दे रखा है 42, तो बीच में कितने जने बैठे हैं आपको ज्ञात करना है, टोटल बराबर 42, ठीक है, 42 माइनस 33 माइनस 1 बराबर कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, ठीक है, 42 तो ये हैं,
यहाँ तक तो 33 है, आगे कितने हैं? तो उसको याद करने के लिए क्या कर देंगे, 33 में घटा देंगे उसके एक क्या है जो इसका इधर भी जुड़ता है और इधर जुड़ता है, तो माइनस वन में जो सूत्र वाला हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपके थे जो रैंकिंग टेस्ट के लेफ्ट राइट टोटल याद करना उस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो अपना, नेक्स्ट वीडियो में अपन याद करेंगे जो बेसिक क्वेश्चन और होता है वो उससे बड़ा है छोटा है उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर कवरअप करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में देख से देख शेयर कर देना, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को सजेस्ट जरूर करना। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले प्राप्त हो सके। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।